नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे, सिवान शहर में एक एजेंसी खुला हुआ है जिसका नाम है शंकर इंटरप्राइजेज। जी हाँ, शंकर इंटरप्राइजेज में ई रिक्शा का एजेंसी खुला है। ई रिक्शा विराट कंपनी का यहां पे ओपन हुआ है। आज जानेंगे इस कंपनी के बारे में और इस एजेंसी के बारे में। इस एजेंसी के जो ऑनर है मिस्टर अभिमन्यु कुमार सिंह जी, बहुत ही कम उम्र में अपने आप को एक बिजनेस मैन के रूप में देखना चाहते हैं और इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और इनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं सर? सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्टअप किया इस बिजनेस को, कैसे एजेंसी लिया इस कंपनी के। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार सिंह, मैं शंकर इंटरप्राइजेज का ऑनर अभिमन्यु कुमार सिंह बोल रहा हूँ। मैं यहाँ विराट ई रिक्शा का शोरूम खोले हुए हूँ और वीर शक्ति ई कार्ट लोडर भी है। अच्छा, वीर शक्ति ई कार्ट लोडर क्या है? जी, वीर शक्ति ई कार्ट लोडर यानी कि माल ढोने वाले जो पिकअप। अच्छा। है, पिकअप वाहन है। पिकअप वाहन भी इसमें लॉन्च हो चुका है जी। इसमें माल ढोने वाले भी मतलब ई रिक्शा में आ चुका जी। है जी। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। सिवान में पहली बार लग रहा है मुझे, आ रहा है विराट कंपनी की तरफ से आ रहा है जी सर। अच्छा, आपने इस ई रिक्शा के बारे में बताइए सर कि ई रिक्शा मतलब लोगों को कैसे बेनिफिट मिल रहा है, लोगों को कैसे मतलब जागरूक करा रहे हैं, लोगों को कैसे इस तरह से इनकम हो रहा है उनको। जी, मैं चाहता हूँ कि अपना भारत पर्यावरण मुक्त हो जी। जी, यहाँ तक कि प्रदूषण बहुत हो चुकी है जी। जी, लोग अंधाधुंध पेड़ पौधे काट रहे हैं जी। जी, मैं चाहता हूँ डीजल मोबाइल पेट्रोल ये वाहन बंद करके ई रिक्शा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग ज़्यादा करें। उपयोग जैसे इलेक्ट्रिक रिक्शा है। अच्छा, ये टोटल मतलब बैटरी से चलेगी जी, बैटरी 8000। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या सुविधा है? यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है बस? यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है जी। यहाँ नकद लेने पे आकर्षक उपहार भी है जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आपने एजेंसी ओपन किया तो आपके मन में कैसे, जहन में आपका सवाल आया कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे एजेंसी लेना चाहिए? क्योंकि आपके उम्र के लड़के काफ़ी लोग अभी पढ़ाई करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, किसी कंट्री में जॉब करते हैं, लेकिन आपने खुद का एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें करने से कैसे मतलब बेनिफिट मिला, कैसे आपको सपोर्ट मिला ये सब करने को? जी, मैं शुरू से ही चाहता था जी कि पढ़ाई करते हुए जी एक अपना बिजनेस करूं जी, ताकि मैं अपने गार्जियन के ऊपर बोझ न बन सकूं। अच्छा अच्छा, कोई भी बच्चे अपने गार्जियन के ऊपर बोझ न पड़े जी। इसी से मैं चाहता था जी कि मेरे देखा देखी और भी बच्चे सोचे कि मैं भी कुछ करूं और गार्जियन के ऊपर बोझ ना बनूं। साथ में मैं चाहता था कि बिजनेस पैसा के साथ साथ मैं मान सम्मान भी कमा सकूं, मान सम्मान भी आपको मिले। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर चुका है तो आपने इसी चीज़ को क्यों अपनाया, कि आपने ई रिक्शा को क्यों अपनाया, मतलब इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में जो ये कंपनी है क्यों अपनाया, क्या सोचे थे आप, अपने माइंड में क्या आया था? मैं सोचता था कि प्रदूषण बहुत हो चुका है जी जी, कि अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जी चाह रहे हैं कि हमारा भारत प्रदूषण मुक्त हो, स्वच्छ रहे, सुंदर स्वस्थ रहे, और यहाँ के लोग भी चाह रहे थे कि हम स्वस्थ रहें जी जी जी। इसी के चलते मैंने भी सोचा क्यों ना इस कंपनी से बात करूं और ई रिक्शा का शोरूम लूं, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन भी देखें कि पर्यावरण मुक्त हमारा भारत हो चुका है। हम भी चाहे पर्यावरण में दूषित पर्यावरण को हमने स्वच्छ रखें, उसको सुंदर बनाए, इसीलिए आपने इस कंपनी के तहत जुड़ा, इस कंपनी से बात किए और आपने इसको सपोर्ट किया जी। तो यानी कि आप कहा जाए कि आपने इस कंपनी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उस कंपनी से बातचीत करके इस कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बताइए कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरा फ्यूचर प्लानिंग है, मैं पढ़ाई करते हुए जी जी इस बिजनेस को और आगे बढ़ाऊँ जी जी, ताकि मेरे साथ साथ दूसरे किसी का भी घर चल सके, आपके साथ साथ मतलब और किसी का भी मतलब भला हो सके जी। अच्छा, ये जो लोग जब मैं ई रिक्शा को ले जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं, मतलब यहाँ पे डाउन पेमेंट का भी सीधा है, जैसे बैंक से सीधा लोन सीधा भी है जी? हमारे यहाँ लोन की भी सुविधा है जी जी, डाउन पेमेंट करके फाइनेंस पर भी लोग गाड़ी ले जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आप पूरे सिवान के ऑथोराइज डीलर हैं जी, तो
आप सब ब्लड के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, कोई कर सकता है आपके पास जी, जैसे पूरे ब्लॉक में लोग यहाँ से सब ब्लड बन सकते हैं जी एकदम। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूँ कि सिवान जिले में हर ब्लॉक में जी एक सब डीलरशिप ओपन हो, ओपन करूं आपसे जुड़े लोग, कि मेरे से बेरोजगार लोग जो हैं जुड़े, ताकि वे अपने भविष्य के साथ साथ ये बिजनेस भी कर सके और अपने आप को खुश रख सके और परिवार में भी खुशहाली ला सके। अच्छा, ई रिक्शा के बारे में थोड़ा बताइए कि ई रिक्शा का जो मतलब प्लानिंग है कैसे, मतलब ये लोग एक बार खरीदें तो इसमें क्या खर्चा कितना आ सकता है, जैसे मेंटेनेंस में है क्या क्या में इसे हो सकता है, जैसे बैटरी से चलती है गाड़ी तो इसका स्पीड क्या है, इसका माइलेज मतलब कितना किलोमीटर जा सकती है एक बार में चार्ज करने पे, क्या इसका फीचर बताइए थोड़ा सा जी। ये रिक्शा इसका स्पीड होगा 30 किलोमीटर पर आवर जी जी। एक बार ये इसमें चार बैटरियाँ लगी हुई है जी, इसको एक बार चार्ज करने से लगभग 5-6 घंटा टाइम लगता है जी जी। इसको एक बार चार्ज करने से 80-85 किलोमीटर चल सकती है एक बार चार्ज करने पर। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, बस खर्चा है अपना बैटरी का मेंटेन करते रहें। कितने महीने पे वो मेंटेन करना पड़ता है? महीने पे नहीं, ये हर सप्ताह इसका बस बैटरी का पानी चेक करते रहें। अच्छा। और अपना चार्जिंग पॉइंट देखते रहें कितना चार्ज है, कितना मतलब पानी है, जो पानी होता है वही चेंज करना जी, तो वही सिर्फ बैटरी का पानी ही चेंज करना रहता है जी जी। चेंज नहीं, उसी में देखना रहता है पानी कितना है, कम है ज़्यादा है, बस इसी को देखना है, मेंटेन कर रखना पड़ता है जी। अच्छा, तो ये बताइए सर, आपने तो एक बिजनेस सेटअप कर दिया है, तो आप अपने भविष्य में कितना लेवल तक पहुंचना चाहते हैं ये मैं पर्सनली पूछ रहा हूं, ताकि मैं सोच देख रहा हूं कि आपने एक बिजनेस सेटअप किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे आपको देखकर लोग हमारे जो आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं वो भी एक इंस्पायर हो, वो भी अपने आप को बिजनेस के तौर में देखें, क्योंकि बिजनेस एक बहुत बड़ी बात होती है। बिजनेस के अपना घर चलता ही, इन लोगों का घर भी चलता है, तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं इस बिजनेस में ये बताना चाहूँगा जी कि ये बिना सपोर्ट का कोई भी बिजनेस आदमी कर नहीं सकता है जी जी। बस माता पिता का आशीर्वाद और दोस्तों का साथ चाहिए जी जी। ताकि कोई छोटा बड़ा बिजनेस हो, बिना सहयोग का, बिना मदद का कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे सर अपने एजेंसी के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या सुविधा दे रहे हैं आप? जैसे कोई कस्टमर आप ई रिक्शा ले जा रहा है, खरीद ले जा रहा है, सर्विसिंग का, सर्विंग का, रिसाइकिल का, क्या व्यवस्था है इसमें? यहाँ पे हमारे ई रिक्शा का स्पेयर पार्ट्स, सर्विस सब मिलेगा, सब चीज़ अवेलेबल है जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आपने इस कंपनी को ओपन किया था तो ये कंपनी कहाँ की है सर? इस कंपनी विराट कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी पंजाब की कंपनी है, चौहान ऑटो इंडस्ट्रीज, डेरा वसाई जी जी, पंजाब की है। डेरा वसाई पंजाब की है जी। सर सिवा ये पूरे बिहार में कहाँ कहाँ ओपन हो चुका है इसका एजेंसी? जी अभी बिहार में पटना, गोपालगंज, सिवान जी, मतलब काफ़ी ऑलमोस्ट सिटी में हो चुका है। यहाँ तक मोतिहारी में भी इसका शोरूम खुल चुका है, खुल चुका है। इसका सब डीलरशिप भी है मोतिहारी में, हमारे राज्य जी। अगर कोई कस्टमर, अगर कोई जो पब्लिक है वो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर जुड़ सकते हैं, आपसे सब डीलर के रूप में जुड़ सकते हैं जी, वो जी एकदम जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उनसे आप सब डीलर का प्रोवाइड कर सकते हैं आप जी एकदम। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हम बात किए हैं शंकर इंटरप्राइजेज यानी कि विराट कंपनी का जो ई रिक्शा लॉन्च हुआ है सिवान शहर में, इसका एजेंसी लिया गया है, जिन्होंने लिया है उनका नाम है अभिमन्यु कुमार सिंह, जो कि यंग लड़के हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 20 इयर्स है इनका एज, इससे भी हो सकता है कम है, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया अपने बिजनेस को। तो मैं चाहूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी अगर सवाल हो तो प्लीज़ स्क्रीन पर नंबर दीजिए, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को बिजनेस का आइडिया हो तो आप लोग हमें दे सकते हैं, अगर आप लोग बिजनेस का आइडिया लेना